हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंजीत यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लिव फ्री। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी बाइक स्टैंडर्ड 350 है, इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक कैसे लगा सकते हैं। तो जैसे कि जिन भाइयों के पास स्टैंडर्ड बाइक होगी, बुलेट स्टैंडर्ड 350, उनको पता होगा कि बुलेट में फ्रंट में ड्रम ब्रेक आते हैं। वैसे लुक तो उसका काफ़ी अच्छा है ड्रम ब्रेक का भी, लेकिन वो थोड़े इफेक्टिव कम है हाई स्पीड पे ना, थोड़े कम इफेक्टिव है ड्रम ब्रेक। तो इसलिए दोस्तों, मैंने भी अपनी बाइक में जो ड्रम ब्रेक थे उनको चेंज करके ये फ्रंट में देखिए आप डिस्क ब्रेक इंस्टॉल कर लिए हैं, और मैं आज आपको इसी बारे में बताऊंगा। ये बहुत से भाई जिनके पास स्टैंडर्ड बाइक है वो जानते होंगे कि एक मतलब काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, फ्रंट जो ड्रम ब्रेक है ना वो काफ़ी इफेक्टिव, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो दोस्तों, अभी इसका सॉल्यूशन, वैसे तो काफ़ी वीडियो है इस पर, लेकिन मैंने बाहर मैकेनिक से पता किया था तो सब बोले कि 15,000 रुपये के आसपास का वो जो खर्चा आएगा इसको कन्वर्ट करने का। तो दोस्तों, लेकिन ये मैंने सिर्फ 6,000 रुपये में पूरा अपना ये देखिए फ्रंट में डिस्क ब्रेक इंस्टॉल कर लिया है। तो आज इसी बारे में आपको बताऊंगा मैं कि आप भी 6,000 रुपये में, मात्र 6,000 रुपये में कैसे आप अपनी बाइक को ड्रम से डिस्क ब्रेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक इसकी बात, एक बात और है दोस्तों, आपको दिखाता हूँ मैं आपको कि आपके पास जो आपका पुराना जो रिम था ना वो भी रह जाएगा आपके पास ही पूरा। ये जो मेरा पहले जिसमें ड्रम ब्रेक लगा हुआ था, देखिए इसका पूरा सेट मेरे पास ऐसे के ऐसे है। मतलब अगर मैं चाहूँ कल को वापस डिस्क ब्रेक से ड्रम ब्रेक में कन्वर्ट करने में, तो मेरे पास पूरा सेट है। ये रिम है और बाकी का इसका ब्रेक वगैरह मेरे पास अंदर रखा हुआ है, पूरी किट जो मेरी बाइक की थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो किट आती है ये आती है 5,500 रुपये की, 5,500 मतलब 5,500 रुपीज़ की। और इसमें आपको क्या आता है कि ऊपर से दिखाता हूँ, इसमें आता है आपका ये मास्टर सिलेंडर असेंबली पूरी लीवर के साथ, ये पूरी आती है आपकी, ये मतलब माउंटिंग, ये लीवर असेंबली, ये सब पैक आता है ऐसे कैसे। ये इसकी पाइप ब्रेक फ्लूड की, और ये नीचे वाला कैलिपर, ब्रेक कैलिपर, और डिस्क प्लेट, ये हब प्लेट, ये बोल्ट 6 और 6, ये माउंटिंग बोल्ट ये वाले, और ये पत्ती। दोस्तों जो इसमें क्या है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल इसी पत्ती का ही है। जो आप एक पत्ती देख रहे हो ऐसे, ये वाली ऐसे लगी हुई, क्या है कि अगर आप वैसे मैकेनिक के पास जाओगे तो वो बोलेगा कि आपको ये जो सोकर है ना ये भी चेंज करना पड़ेगा, क्लासिक का सोकर डालना पड़ेगा। तो अकेले सोकर सोकर की जो कीमत है वो 6,000 रुपये है। तो इससे क्या है, आपका बजट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आपका बजट इतना है, आप 15,000 रुपये लगा सकते हैं तो वो तो बेस्ट है, आप सोकर चेंज कीजिए। 6,000 का सोकर है और 6,000 के आसपास की 5,500 की ये किट है, और वो लगाने के भी लेगा। आपको ये रिम भी अपना चेंज करना पड़ेगा। ये जो है ये रिम, ये मैंने देखे क्लासिक का डाला हुआ है, आप क्लासिक या इलेक्ट्रा किसी का भी डाल सकते हैं, एक ही रिम आता है, कोई डिफरेंस नहीं है। और ये आपको अपनी सिटी में मिल जाएगा, क्योंकि जो लोग अपने स्पोक व्हील को उसमें चेंज करते हैं अलॉय व्हील में, तो ये स्पोक व्हील वो उसी मैकेनिक को दे आते हैं जो अलॉय व्हील बेचता है। तो ये 500 रुपये में आपको इजीली मिल जाएगा, सिर्फ 500 रुपये में, इससे ज़्यादा आपको देना भी नहीं है, क्योंकि ये उनके काम का भी नहीं होता। 500 रुपये ये कोई आपसे ज़्यादा मांगे तो मत दीजिएगा, एक दो दुकान पर और ट्राई कर लीजिए, आपको 500 रुपये में इजीली ये व्हील मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है कि आपको ये किट लानी है और ये व्हील लेना है, सोकर आपको चेंज नहीं करना है। इस किट की यही खासियत है, आपको सोकर चेंज नहीं करना है। और तो मैं बता दूँ, 5,500 रुपये की ये किट थी, जिसमें प्लेट थी, डिस्क प्लेट थी, हब प्लेट थी, ये एक्सल वाली हब प्लेट बोल देते हो आप, ये कैलिपर था, ये पूरी असेंबली थी, ये मास्टर, ये कैलिपर भी था, मास्टर सिलेंडर जिसको बोलते हैं, और फ्लूड भी इसमें भरा हुआ ही था, ब्रेक फ्लूड, और ये एक पत्ती थी,
तो ये सब दोस्तों उस किट में आता है। उसके अलावा आपको 500 रुपये का ये लेना है रिम, और अपने मैकेनिक के पास जाना है, वो 500 रुपये लेगा इंस्टॉल करने के, मतलब 6-6.5 हज़ार रुपये में आपका जो बाइक है वो पूरी ड्रम से डिस्क ब्रेक में कन्वर्ट हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि जैसे मैंने आपको दिखाया था कि आपके पास अपना पूरा जो सेटअप होता है ड्रम ब्रेक वाला, वो आपके पास रह जाता है। कल को आप चेंज करना चाहें या मतलब कुछ भी करना चाहें तो आपके पास ऐसा नहीं है, ऑप्शन रहेगा हमेशा कि ड्रम में वापस कन्वर्ट करना है तो आपके पास आपका पुराना रिम ड्रम ब्रेक का और पूरा वो ड्रम ब्रेक की जो पूरी असेंबली है वो भी आपके पास ऐसे ही रहेगी, वो मेरे पास रखी है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैं इस टॉपिक पे बनाना चाह रहा था कि कैसे आप अपनी बाइक में ड्रम से डिस्क ब्रेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इस लुक भी काफ़ी अच्छा आता है, देखिए आप बाइक का, मैं आपको लुक दिखाता हूँ डिस्क ब्रेक लगाने के बाद। तो ये सिर्फ 6-6.5 हज़ार रुपये में आप कन्वर्ट कर दीजिए। और सबसे अच्छी बात है आपको सॉकर चेंज नहीं करने, अगर आप सॉकर चेंज करोगे तो अकेले सॉकर की कीमत ही 6 हज़ार रुपये है। तो ये सब कुछ 6 हज़ार का प्लस वो 6 हज़ार का अलग से, मतलब 50% कॉस्ट डबल हो जाएगी इसमें। आपका 6 हज़ार में काम हो जाएगा, उसमें आपका 12-13 हज़ार में काम बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे अगली वीडियो मैं बनाऊंगा इंजन ऑयल के ऊपर कि कौन सा इंजन ऑयल अपनी बाइक के लिए बेस्ट है, बुलेट बाइक के लिए। और मैंने वो बनाऊंगा मैं वो वीडियो, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे होगी। मैंने 2-3 कंपनियों के इंजन ऑयल यूज़ किए हैं और मिनरल ऑयल भी यूज़ किया है, सेमी सिंथेटिक भी यूज़ किया है। तो उसके ऊपर मैं बनाऊंगा कि ओवरऑल कौन सा जो है इंजन ऑयल अपनी बाइक के लिए सुटेबल है, बेस्ट है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा रिगार्डिंग ये डिस्क ब्रेक कन्वर्जन में कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू दोस्तों।